ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। हम खड़े हैं जैसलमेर के बड़ा बाग मतदान केंद्र पर। यहाँ पर सुबह से एक भी मत नहीं पड़ा है और लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। क्या मांगे हैं, कई लोग गांव के हैं, उनसे पूछेंगे किस तरह की जो है यहाँ पे बातें हैं, किस तरह की समस्या है, किस तरह लोग मतदान का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं। मूल बात, नगर परिषद द्वारा जो कचरा पास बनाया गया है उसके अंदर जो डंपिंग यार्ड और जो कचरा है वो प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं होने के कारण ये नहीं हो रहा है। दूसरा, अभी बायोवेस्ट जो बाड़मेर और जैसलमेर दोनों की जॉइंट में जो यहाँ लगनी है उसका विरोध है कि भाई वो नई फैक्ट्री यहाँ नहीं लगनी, क्योंकि उसमें जो जितने भी अंग और वेस्ट हॉस्पिटल का जितना पूरे बाड़मेर जिले का और जैसलमेर जिले का वो सब यही होगा, इसलिए गाँव पूरे का विरोध है कि ये नहीं होगा। 11 बज चुके हैं और यहाँ पर एक भी मतदान नहीं हुआ है, एक भी मत नहीं पड़ा है, क्या कहना चाहेंगे? इतना बड़ा मुद्दा, इतनी लंबी चौड़ी समस्याएं थी, तो किस तरह की जो लोग कलेक्टर ने या आपके लोगों ने मांगे रखी होगी वो बातें मानी नहीं गई आपकी? ये प्रशासन सब यहाँ पर आके हमें आश्वासन देके जा रहे हैं लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया, क्योंकि जो गांव वालों को जो चीज चाहिए थी कि भाई हमारे यहाँ से डंपिंग यार्ड को हटाया जाए, लेकिन वो उसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो गई। आज इतने दिन से हम यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चीज के बारे में, लेकिन कोई भी प्रशासन की तरफ से या कोई भी जनप्रतिनिधि की तरफ से कोई भी ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया जिससे हमें आश्वासन मिल सके कि हम भाई इस चीज के प्रति हो रहे हैं। हमारा तो मतलब एक महत्वपूर्ण मुद्दा यही है कि भाई इस डंपिंग यार्ड को यहाँ से हटा के दूसरी जगह कहीं शिफ्ट किया जाए जिससे हमारे गांव का पर्यावरण है, गायें हैं, पशु है, जितने भी जो होते हैं इससे उनकी बीमारियां हैं ये लागू हो जाती है और गाँव के अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ में लोग परेशान हो जाते हैं। मक्खियों से मतलब पूरा गाँव परेशान हो चुका है, उससे बहुत ज्यादा बीमारियां फैलती है, ये मेन मुद्दा हमारा। अभी तक एक भी मत नहीं पड़ा, अभी तक एक भी मत नहीं पड़ा, क्योंकि पूरा गांव ने इसमें से पूरा प्रोटेस्ट एकजुट होके प्रोटेस्ट किया है कि भाई हमारी बात को आगे से आगे सुनवाई की जाए और हमें भी मतलब इन चीज से न्याय मिला जाए। ये जो विरोध व्यक्त हो रहा है पूरे गांव की तरफ से हो रहा है, क्या मुद्दे है, क्या बात है? यार हमारे गाँव का विरोध इसलिए हो रहा है कि हमारे यहाँ डंपिंग यार्ड बन रहा है, उस डंपिंग यार्ड को जैसलमेर में बाड़मेर की 7 हॉस्पिटल है, 7 विधानसभा क्षेत्र का यहाँ लागे डाल रहे हैं, इससे गवर्नमेंट को नुकसान होगा। गवर्नमेंट वहाँ क्यों नहीं बना रही है बाड़मेर में? एक हॉस्पिटल का चला जाना आसान है, 7 का लाना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम पूरा गांव विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर डंपिंग यार्ड नहीं बनना चाहिए और न ही कोई कचरे वाली फैक्ट्री को यहाँ हटाना चाहिए। हमारे गाँव का यही विरोध है पूरा, और हम एक ही वोट इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हमारे डंपिंग यार्ड नहीं हटेगा तब तक हम यहाँ वोट नहीं डालेंगे, चाहे किसी भी सूरत में कोई भी हो, हम इस पूरे डंपिंग यार्ड को हटाने की आड़ में लगी हुई पूरा गांव। हमें ठोस आश्वासन चाहिए सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से, जैसे हम अपने इस कदम उठाए हुए कदम पे क्षेत्र का कचरा यहाँ ले आ रहे हैं, एक विधानसभा को वाले जाने वास्ता नहीं होगी ना। स्वच्छ भारत के अभियान चला रहा है कि स्वच्छ भारत बनाओ, हमारा बड़ा बाग पाकिस्तान में थोड़ी है, जैसलमेर भारत का हिस्सा है। डंपिंग यार्ड यहाँ से बस 300 मीटर की दूरी पर है, सबको यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों से लेकर 20 साल से प्रॉब्लम हो रही है, पहले जो चुका हो चुका, आने वाली पीढ़ी ना भुगते ये चीज, हम भुगत रहे हैं बहुत ही ज्यादा पशु। लेकिन कभी जो आपने इसके बारे में बात उठाई नहीं, मुद्दे एमएलए एमपी प्रशासन ने हमारी सुनी नहीं, हमने उठाए मुद्दे, बहुत मुद्दे उठाए, पहले भी तीन चार बार मुद्दे उठाए, ज्ञापन भी दिए, हमने सब कुछ किया लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी, थोड़ी बहुत सफाई करके या बुकिंग करके तीसरी होगी। एमपी यहाँ पे एमपी एमएलए कभी कोई आए नहीं आपके पास आपकी समस्या को लेके? एमपी का तो एरिया ही बहुत बड़ा, उसको आने का कोई मतलब ही नहीं, ये छोटे से गाँव में एमपी कब आएंगे और क्या ये करेंगे वो तो एक आगे वाली बात है। एमएलए से जो बात हुई, एमएलए ने क्या दिया, लिखित में भी भेज दिया सरकार को, अब आगे क्या एक्शन होता हुआ क्या एक्शन होता वो देखते हैं। यहाँ तक एमपी जैसलमेर में भी नहीं आते, जीवाणु आते हैं वो फसलें भी नष्ट हो जाती है, बड़ा बाग की फसल सबसे बेस्ट जाती है वो भी नहीं हो पा रही बरबार। यहाँ पे कई जो है फसलें होती है, सही बात है, सब्जियां होती है, देसी सब्जियां होती है, क्या कहना चाहेंगे? कितने मत है यहाँ पे, कितने मत है यहाँ पे? मत एक ही है, मत एक ही नहीं, वोट कितने यहाँ पे, वोटर्स कितने? 1000 वोटर, और वो भी तो एक वोट नहीं मिला है, आज 11 बजे से ऊपर टाइम हो गया है। अब पढ़ना नहीं पढ़ना प्रशासन के ऊपर है, अगर हो सकता है ये नहीं भी पढ़े, जैसलमेर के इतिहास में ये भी हो सकता है कि ये गांव बगैर वोटिंग के रह जाए। कई और लोग हैं उनसे पूछेंगे किस तरह की स्थितियां हैं। देसी सब्जियां उगाते पशु जानवर है जो सब्जियां पूरी नुकसान करते हैं और दूषित पानी कुओं में जाता है, ये नुकसान बरसाते दूषित पानी होता है फैक्ट्री का, ये जाता है कुओं में, मतलब प्रदूषित हो रही है एरिया पूरा, प्रदूषित हो रहे हैं पूरा एरिया, यहाँ गायें मर रही है, आज भी अभी भी आप जाके देखो 40-50 गायें मरी हुई हैं, गायें मरी हुई है और बदबू भी इतनी आ रही है, इसके कारण गांव पूरा परेशान है, मक्खियों से परेशान है, उस प्लस उस गांव में दिन भर मक्खी बैठी ही रहती है
और गाय मरने गाँव के यहाँ का कुत्ते भी है करीब यहाँ का सबसे सबसे बड़ा यहाँ का सबसे बड़ा भाग का खेती ही है, खेती पे निर्भर है। वो खेती नहीं होगी तो हम कहाँ जाएंगे? हमारी खेती को नुकसान हो रहा है, गाय पशुधन मर रहा है यहाँ पर। आप देख सकते हैं पूरा गांव मरा हुआ है, लोग पूरे धरने में बैठे हुए और बिल्कुल मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। सब देखो तब चारों तरफ महिलाएं पुरुष पूरे मतदान का बहिष्कार में लगे हुए हैं और कई महिलाएं उनसे बात करेंगे किस तरह की इनकी बातें हैं। मेरे साथ में एक और दबंग महिला है गाँव की, उनसे पूछेंगे क्या कहना चाहेंगे। गाँव में समस्या है, जब भी तो नहीं वोट दे रहे, नहीं तो कभी देते है ना वोट हम रोज। अभी यहाँ पे गाँव में जो गाय का प्रॉब्लम चल रही है, मक्खियां भी ज्यादा है और गांव में कुत्ते इतने बड़े हैं जो बच्चे निकल नहीं सकते। अभी लोगों इतनी सारी बकरियां मार दी है और हर परेशानी से परेशान है। जब वोट नहीं दे रहे, नहीं इतने साल से वोट दे रहे थे हम लोग, सब गांव वालों को क्या परेशानी वोट देने में? वोट घर पे रखना नहीं हमें, कोई तो प्रशासन हमारी सुनेगा ना, अधिकारी सुनेंगे जब हम करेंगे। ये सब तो जो आ रहे हैं वोटों वाले, उनको तो क्या काम, अभी हाथ जोड़ के चले जाएंगे और परेशान तो हम लोग हो रहे नहीं यहाँ पे। इसलिए हम गाँव वाले वोट नहीं देंगे जब तक हमारा कुछ सोल्यूशन नहीं होगा। जब इसलिए कई और महिलाएं उनसे पूछेंगे, बुजुर्ग महिला है, क्या कहना चाहेंगे गांव की किस समस्या बहिष्कार करें? सुबह से हमको ये बाउंड्री वाला ये गंदगी से ही परेशानी है, मक्खियां है, कोई ग्वाला जाता है बकरी चराने को, भेड़ है वगैरह तो कुत्ते आते हैं, तो अकेला ग्वाला क्या करेगा? बकरी भी खा जाते हैं और आदमी को भी परेशानी है। बड़ा बाग है जो बड़ा बाग की सब्जी भी इतनी अच्छी है, यहाँ से लोग मतलब बैठ एक एक घंटा बैठ के सब्जी के इंतजार करते हैं। वो सब्जी भी अभी मतलब जो भेड़ बकरी कुत्ते गाय है और घनसूरी इतनी पैदा हो गई है जो मतलब ही नहीं कोई चीज का, जो गांव में लाके कचरा डाल दिया बाढ़ में से और लाके डाल रहे हैं और प्रशासन कोई भी नहीं सुन रहा है, फिर भी उनको ये लग रहा है कि बड़ा बाग वाले सब तो नहीं सुनाई हो रही, इस चीज में नहीं हो रहा है इसमें। क्या कहना चाहेंगे? कहने क्या भाई शब्द है, ये गंदगी रोज कहने चाहिए और क्या, सब परेशान है, धन है मरे, धन मरे मन हो, दूध पिए मन हो, बीमारी हो गई और क्या है। आज पूरा गांव एक जुट है, पूरा एक मोट एक वोट नहीं हुआ है, झूठ नहीं होगा तो कौन मानेगा? एक आदमी की कौन सुनाई करेगा? तो से वोट नहीं, वोट पड़ने चालू हो जाते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम है जब लोग सब इकट्ठे हुए, उसके अलावा भी लोग सहयोग देने के लिए बाहर से भी लोग आए हैं ना, कि आप हाँ सही ये जो चीज हो रही है सही हो रही है, नहीं तो कौन साथ देगा? साथ देने का था ही नहीं कुछ, इसलिए नमस्कार। ये थे बड़ा बाग गाँव के महिला पुरुष मतदाता जो पूरी तरह आज लोकसभा के मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी बात है जो यहाँ पे बेस्ट चला जा रहा है, वो कहते हैं कई विधानसभाओं का यहाँ पे लाके डंप किया जाता है, इससे ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही है, कई प्रदूषित वातावरण हो रहा है, इनके जो नई पीढ़ी है उनमें कई फर्क पड़ रहा है। इसके अलावा ये सब्जियां यहाँ की बहुत फेमस है, देसी सब्जियां गाँव की दूर दूर इलाके में जाती है, जिसमें शहर में तो जाती जाती है, उसको लेके भी ये इनको लेके बड़ी चिंता हो रही है कि इस प्रकार का जो प्रदूषित जमीन प्रदूषित हो रही है उससे इनकी सब्जियां खराब होती है, लोगों में कई प्रकार के दुष्परिणाम हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है इन लोगों ने कई बार जो है प्रशासन से इस प्रकार की मांग की, हेजिटेशन किया, एमएलए एमपी से भी कई प्रकार गुहार की होगी, ज्ञापन दिए होंगे, लेकिन 8 दिन तक इनकी मांगों पर कभी विचार नहीं किया गया। आज इन्होंने पूरे एक मत से, आज अभी तक 11 बजे से ऊपर का समय हो गया, एक भी मत नहीं पड़ा है, 1000 से ज्यादा यहाँ पे वोटर्स है, लेकिन सभी ने संगठित होकर इस पूरे मतदान का पूरा बहिष्कार किया है। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।